आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर आई विल टेल यू क्विक वे हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ योर एमिरेट्स आईडी। फर्स्ट डाउनलोड आईसी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे। इस वीडियो में बात करेंगे जी मल्टीपल जॉब्स जो कि अनाउंस की गई है यूएई में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अभी यूएई के हालात अच्छे चल रहे हैं जॉब्स के हवाले से, मार्केट में जॉब्स आ रही हैं, बिज़नेस जो है पहले जो था कोविड की वजह से कम हो रहे थे, बहुत सारे बिजनेसेस ख़त्म हुए हैं। जब बिजनेसेस ख़त्म हुए हैं तो डेफ़िनेटली जो लोग वहाँ पर जॉब कर रहे थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे उनकी जॉब भी ख़त्म हुई थी, और बिज़नेस कम होने की वजह से अगर जो थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ रह गए थे तो उनकी सैलरियाँ भी काफ़ी कम कर दी गई थी। लेकिन अब एक अच्छाई की तरफ जा रहा है, अच्छाई मीन के एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, बिज़नेसेस दोबारा ग्रो कर रहे हैं स्लोली स्लोली, और जो है एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं, स्टाफ हायर किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त मैं कहूँगी होटलिंग जो है, होटलिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। 100% जो है होटल्स अलाउ कर दिए गए हैं यूएई में, दुबई में, कि आप बल्कि पूरे यूएई में अलाउ कर दिए गए हैं 100% जो है वो फुल करेंगे होटल्स के, यानी कि 100% अपने रूम्स जो हैं वो आप रेंट पर देंगे होटल्स के। पहले ऐसा नहीं था, पहले 30% था, 50% था, 60% था, ऐसे था, लेकिन अब फुल देंगे। क्यों? इसके भी रीज़न है जी, अब एक्सपो 2020 स्टार्ट हो रहा है, और एक्सपो 2020 स्टार्ट हो रहा है, डेफ़िनेटली तमाम विज़िटर्स जो हैं आएंगे, दूसरे कंट्री से आएंगे, और एक्सपो कामयाबी तब होगा जब डेफ़िनेटली दूसरे कंट्री से लोग आएंगे, विज़िटर्स आएंगे, और जब विज़िटर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग होटल्स में स्टे करेंगे, इसलिए होटल्स की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। टोटल जो है कोविड के प्रिकॉशनरी मेयर्स, यानी कि कोविड की एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए होटल्स की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, और इसीलिए जो है बहुत सारे कंट्रीज़ पर ट्रैवल बैन भी है जहाँ पर अभी कोविड ज़्यादा है, या फिर अलाउ किया जा रहा है तो उन लोगों को किया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। ये सब चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं ताकि जो है कोविड ना फैले। वैसे जो है यूएई में एक और भी अच्छी बात है, कोविड के जो डेली बेसिस के केसेज हैं वो 1000 से भी कम हो चुके हैं, यानी डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट आ रही है, यहाँ पर कोविड के केसेज बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। बात हो रही थी जी जॉब्स की, होटल इंडस्ट्री में तो बहुत सारी जॉब्स हैं, और ये भी देखा गया है कि होटल इंडस्ट्री के लिए यहाँ से स्टाफ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे, यानी होटल इंडस्ट्री को जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी फील हैं या हैं नहीं। तो होटल इंडस्ट्री ने वैसे रिक्वेस्ट भी की है अथॉरिटी से कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से तो आ नहीं सकते विज़िटर्स हैं, नए लोग, तो या जो उनके एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं, होटल्स बिल्कुल बंद हो गए थे तो उनके सारे एम्प्लॉयज़ जो थे जा चुके थे, कि उन्हें बुलाया जाए, उन्हें कुछ जो है पाबंदियाँ जो कुछ कम की जाएँ, ऐसा भी चल रहा है। एंड ये भी चल रहा है, यानी कि जॉब्स तो अभी यूएई में हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि विज़िटर्स अभी आ नहीं सकते। खैर विज़िटर्स का भी अलाउ हो चुका है जो मैंने बताया था, लेकिन अभी वो इस तरह है कि आपको 14 डेज़ किसी और कंट्री में रह के आना पड़ेगा। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका, नेपाल से हैं, तो विज़िट वीज़े वाले भी आ सकते हैं यूएई में, लेकिन कंडीशन रखी गई कि पहले आप 14 डेज़ किसी और ग्रीन लिस्ट कंट्री में ठहरेंगे, उसके बाद यहाँ आ सकते हैं, और वैसे जिसे ज़रूरी है वो आ जाए, अदरवाइज़ मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि 14 डेज़ में हो सकता है रूल चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एनी हो, तो बात हो रही थी जो अभी लेटेस्ट जॉब्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल इस वीडियो में बात करनी है कि अभी जो है आज अनाउंस हुए कि जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें जी अकाउंटेंट की भी है, पर्सनल सेक्रेटरी की भी है, इंजीनियरिंग की भी है, काफ़ी सारी लंबी डिटेल है जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मैं आपको पूरा बताऊँगी कि ये जॉब्स हैं, और ये भी बताऊँगी कि आप कैसे इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ये जी आप चेक कर सकते हैं द न्यू पोजिशंस इनसाइड मल्टीपल रोल्स सच एज अकाउंटेंट्स, पर्सनल सेक्रेटरी, यहाँ से आप सारा चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जी देखें सैलरीज में बताई गई कि 4000 से 5000 तक होगी। द न्यू जॉब्स इन्वॉल्व मल्टीपल रोल्स हैं जिसमें, हाँ ये मैंने आपको भी बताया, इसमें वही बताया अकाउंटेंट्स हैं, पर्सनल सेक्रेटरी है, पेरोल ऑफिसर्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं, आप ये चेक कर लेना। अच्छा, इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट है, ये कंपनी है जी, मैनेजमेंट कंपनी है शेख जैद रोड पर, और ये हायर करिए, आपका एक से दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 3500 से 4000 दिरहम होगी। और इसके अलावा पर्सनल सेक्रेटरी ऑयल एंड गैस कंपनी है, इसके लिए चाहिए दुबई में जी, इन्हें फीमेल कैंडिडेट चाहिए ओनली, और एक्सपीरियंस जो है 102 साल का होना चाहिए। इसके बाद है बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव,
एन ऑटोमोबाइल कंपनी इन दुबई इज़ हायरिंग बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इन्हें चाहिए और 2 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसे 4 से 5 हज़ार दिरहम तक की सैलरी दी जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा और उसकी जो है मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए, एक एन ऑफिस इक्विपमेंट कंपनी है देरा में, उन्हें जी ऑफिस के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए और 2 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं किया कितनी देंगे। पेरोल ऑफिसर चाहिए जी, एक कंपनी इन दुबई हैज़ वैकेंसी फॉर पेरोल ऑफिसर एंड ऑफर्स 4 से 5 हज़ार दिरहम की सैलरी जो ऑफ़र कर रही है पेरोल ऑफिसर के लिए। अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग जा सकते हैं, और अगर आप स्मार्ट हैं आप लोग हैंडल कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश भी हैं तो आप लोग जो है इन जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही एक दूसरी अनाउंसमेंट है, आप देख लें, इसमें 7,000 से 10,000 तक सैलरीज की जॉब है। द वैकेंसी इन्वॉल्व पोजीशंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड मोर। इसमें जी इंजीनियर से रिलेटेड जॉब्स हैं और ये आप लोग चेक कर लेना, सारी डिटेल्स हैं। सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, कंसल्टेंसी इन अबू धाबी, उन्हें चाहिए जी सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनका 10 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस हो। और कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्किल्स। ये अगर आप सब लोग आपको लगता है कि आप में हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इन ऑयल एंड गैस, इन्हें चाहिए जी। इन्वाइटिंग CVs फ्रॉम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। लीगल एंड एडमिन मैनेजर, ये एक शारजा बेस्ड कंसल्टेंसी है, इन्हें जी लीगल एंड एडमिन मैनेजर्स चाहिए, तकरीबन 10 साल का जिनका एक्सपीरियंस है वो लोग कर सकते हैं, और सैलरी 5,000 से 7,000 के दरमियान रहेगी जी। एप्लीकेशन इंजीनियर चाहिए जी, ये भी शारजा बेस्ड कंपनी है और इन्हें एप्लीकेशन इंजीनियर चाहिए, और सैलरी विल बी डिफाइन, ओके, वो आपको इंटरव्यू के बाद बताया जाएगा कि कितनी सैलरी ऑफर करेंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं जी इलेक्ट्रिकल, ए प्राइवेट कंपनी इन दुबई, ये रिक्रूट कर रही है जी इंजीनियर्स को, आप लोग चेक कर सकते हैं 2 से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है। अबू धाबी में एक कंपनी है, उन्हें जी इलेक्ट्रिकल सेल्स इंजीनियर्स चाहिए, 7 to 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ जो लिखा रहा है हेयर, आप यहाँ क्लिक करेंगे लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप उस लिंक पर जाएंगे, जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो हेयर पर क्लिक करेंगे, जिस जॉब पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप लोग वहाँ से पूरी डिटेल फिल करके अपनी CV सेंड कर सकते हैं। और जो लोग न्यू भी हैं, फ्रेश भी हैं, आप लोग भी अप्लाई करें, क्योंकि मैंने देखा है लिखा होता है कि इतना जो है एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर फ्रेश को भी जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आप लोगों ने जो आपके रिलेटेड फील्ड है आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, उसकी नो हाउ भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, और आप उन्हें बताते हैं कि हम प्रूव करेंगे कि 1 से 2 हफ्तों में हम ऑलमोस्ट चीज़ें सीख लेंगे, और आप हमें रख के देखें, आप हमारी एबिलिटीज़ पर भरोसा करें, तो बहुत सारे फ्रेशर्स की भी हो जाती है। अगर आप लोग इन कैटेगरीज़ में फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करना, इंटरव्यू देना। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं जी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।